कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और फिर से मैं आपके पास एक रेसिपी लेके आ गई हूँ। रेसिपी बोल सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही बनता है, क्योंकि हर शादियों में बनता है, घर में बनते हैं, तो ये वेज नॉन वेज सारे खा सकते हैं। ये आलू से बनता है, तो मैं आज को आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि आप घर में आसानी से बना सकते हो। तो चलिए आपके साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मुझे आज जो चाहिए रेसिपी बनाने के लिए, तो मैंने इधर आलू अच्छे से छील के और अच्छे से धो लिया है। एक कच्चे आलू है और मैंने धो के अभी इसको मैं अच्छे से घीस लूँगी। तो मैं एक ग्रेटर से अच्छे से दे, जो बड़ा वाला है इसमें से मैं आलू को छील घीस लूँगी। देख रहे हो कि मैंने सारी आलू घीस ली है। तो मैं अभी इसमें नमक डाल दिया है और 2 चम्मच नमक दिया है। और अभी मैं इसमें पानी डाल के और इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर 10 मिनट के बाद मैं इसको 6 से 7 बार अच्छे से धो के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है और अभी मैं गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है। और मैं इसमें कढ़ाई रख के और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तो देखो अभी तेल गर्म हो गया, तो मैंने इसमें मूंगफली डाल दी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मूंगफली, तो मैंने ज़्यादा सारा मूंगफली डाल दिया है और मूंगफली को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो आप देख सकते हो मूंगफली अच्छे से भून गई है, तो मैं थोड़ा सा और लाल करूँगी। तो मैं अभी इसमें कड़ी पत्ता मैंने अच्छे से धो के सुखा के रख दिया है। और मैं अभी कड़ी पत्ता भी मूंगफली के साथ अच्छे से भून लूँगी। भून के फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो मूंगफली और कड़ी पत्ता अच्छे से भून गई है, तो मैं अभी दोनों निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने आलू अच्छे से धो के इसको ऐसे छन्नी में रख दिया था और सारा इसका पानी निकल गया है। और मैं अभी इसको फ्राई कर लूँगी। और मैंने कढ़ाई में भी तेल डाल दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें, गर्म हो चुका है सॉरी, फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने सारी तल ली है और तलने के बाद लाल लाल करके मैंने तला है और ये पूरा करारे बनता है। और मैंने सारे इसमें मूंगफली और करी पत्ता मिक्स कर दिया है। और मैं अभी इसमें हल्का सा नमक डाल के मैं इसको, ये ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद ही नमक डालना है। तो मैंने इसको आधे घंटा ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैं नमक डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके आप कोई कंटेनर में, कुछ कोई डब्बे में अच्छे से इसको पैक करके 1 हफ्ते तक आप रख सकते हो, 1 हफ्ते तक आप खा सकते हो। ये बहुत टेस्टी होता है।
तो आपने देख लिया कितनी आसानी से रेसिपी बन जाती है। तो प्लीज़ आप घर में ट्राई करो और बताओ मुझे कि कैसा बनता है, और मुझे कमेंट्स में भी बताना। और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ाओगे तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की रेसिपी इतना सही, फिर से मैं एक नई रेसिपी या नई ब्लॉग के साथ फिर से आ जाऊँगी आपके पास। तब तक के लिए आप खुद का ध्यान रखना, खुद से प्यार करना, सबसे प्यार करना, सबका ध्यान रखना और प्यार बांटना। बाय बाय।